Welcome to Ayurvedic Pathshala. If you like the videos, hit like and subscribe and keep watching. So let us today talk about physiological jaundice in continuation with our previous video. First of all, what is physiological jaundice? Jaundice that occurs after 24 hours of birth and within 72 hours of birth in a newborn because of physiological deficiencies of a newborn, that is termed as physiological jaundice. Any kind of physiological change can lead to development of jaundice in a baby. So these changes are corrected with time. There is no gross pathology behind. So physiological jaundice ke jo causes hain, they are usually two. One is increased bilirubin production and second is decreased uptake and conjugation by immature liver cells. Right? अब आपको मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था दैट आरबीसी डैमेज इज मोर इन न्यूबॉर्न बेबीज बिकॉज देयर लाइफ स्पैन इज 90 डेज एज द लाइफ स्पैन इज 90 डेज देर इज इंक्रीज्ड बिलिरुबिन प्रोडक्शन एंड एज देर इज मोर बिलिरुबिन प्रोडक्शन ऑन द अदर हैंड लीवर इज वेरी मच इमेच्योर इट इज सो मच इमेच्योर दैट देर इज डिक्रीज्ड अपटेक ऑफ द अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बाय लाइगेंडेज एंड सेकेंड देर इज लेस एक्टिविटी ऑफ ग्लुकुरोनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम. So what happens that because of less lifespan of the RBCs, that is around 90 days, there is more damage, which we have discussed. Right? So there is more load of bilirubin. But on the other hand, ligandins are not working properly and they are not taking up the whole of the bilirubin formed because they are immature. So the jo bilirubin hai, wo thoda sa hi liver ke andar aa pata hai, baki blood mein hi reh jata hai. So पहले तो यहाँ एक्यूमुलेशन हुई लीवर की, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गया लीवर बिलिरुबिन जो ऑलरेडी इतना ज़्यादा बिलिरुबिन बन रहा है. सेकंड जो हमारा ग्लुकुरोनाइल ट्रांसफरेज है वो भी इमेच्योर होता है, दैट इज ऑल्सो एक्सक्रीटेड इन लेस अमाउंट, ये भी लेस बनता है जिसकी वजह से ये एक और सेकेंड एड ऑन फैक्टर हो गया इन दिस बिलिरुबिन. तो ये जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है ये कम्प्लीटली कॉन्जुगेटेड में कन्वर्ट नहीं हो पाता. जब ये कन्वर्ट नहीं हो पाता कम्प्लीटली तो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इज सेंट बैक टू द सर्कुलेशन और इट डैमेज द सेल्स. सो इनकी वजह से जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है एक तो वो एड ऑन हो जाता है. थर्ड एड ऑन फैक्टर जो न्यूबॉर्न बेबीज में रहता है दैट इज बीटा ग्लुकुरोनिडेज इन द कॉलोन ऑफ द बेबी. बच्चों की जो कॉलोन है दैट इज स्टेराइल गट, क्योंकि उन्होंने कभी खाना नहीं खाया होता, फीड नहीं लिया होता, तो वहाँ पे बैक्टीरियल फ्लरिशमेंट नहीं रहती. तो बीटा ग्लुकुरोनिडेज कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को अनकॉन्जुगेटेड में कन्वर्ट करके फिर से पोर्टल वेन के थ्रू एंटीरो हेपेटिक सर्कुलेशन में ले आता है. वहाँ से आके ये फिर से ब्लड फ्लो में आ जाता है, ये अगेन एड ऑन फैक्टर रहता है और अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा हो जाता है ब्लड में, जिसके एक फिजियोलॉजिकल चेंज है. विद टाइम जैसे लीवर मैच्योर होगा वैसे ग्लुकुरोनाइल ट्रांसफरेज अच्छे से सेक्रेट होना शुरू होगा, लिगैंडिंस अच्छे से काम करना शुरू करेंगे, रेटिकुलोसाइट का टाइम्स लाइफ स्पैन भी बढ़ जाता है विद टाइम, तो ये अपने आप रिड्यूस कर जाता है. ओके, सो टॉकिंग अबाउट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस. फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में जब हम कॉर्ड सैंपल लेते हैं बेबी का, जस्ट द बेबी इज बॉर्न हम कॉर्ड सैंपल ले लेते हैं, राइट, तो उसमें जो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन की अगर वैल्यू 1 to 3 mg/dL है इट मीन्स इट विल बी नॉर्मल, राइट, तो वो नॉर्मल रहता है, उसमें फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होने के चांसेस बहुत कम है. हाइपरबिलिरुबिनेमिया होगा बट जॉन्डिस नहीं होगा, राइट. इफ सीरम और जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है इसमें जो सीरम बिलिरुबिन है इट राइजेस एट द रेट ऑफ लेस देन 5 mg/dL पर डे. ज़्यादा से ज़्यादा 5 mg बढ़ेगा एक दिन में सीरम बिलिरुबिन. इन पैथोलॉजिकल में ये राइज जो है ये ज़्यादा होता है, तो 5 mg तक जो है वो एक दिन में बढ़ता है, इसीलिए 24 घंटे के बाद हमें फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस स्किन में नजर आना शुरू होता है, क्योंकि क्लिनिकल जॉन्डिस की वैल्यू क्या है 5 mg/dL पर डे, मोर देन 5 mg, तो एक दिन तक कम से कम 5 mg ही बन पाता है, तो इसलिए 24 घंटे के बाद ही हमें फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस नजर आता है. बट इन केस ऑफ पैथोलॉजिकल जॉन्डिस क्योंकि वो ज़्यादा एग्रवेटिंग फैक्टर्स रहते हैं, ज़्यादा डैमेज होता है, देन दिस वैल्यू इज मोर और ये हमें 24 घंटे के पहले नजर आ जाता है. तो जॉन्डिस है इट डेवलप्स ऑन द सेकेंड एंड थर्ड डे और ये धीरे धीरे इंक्रीज करता है एंड इट रीचेज इट्स पीक वैल्यू इन फोर्थ डे ऑफ द बर्थ.
विद टाइम जैसे ही ये मैचुरेशन लेवल प्रॉपर आना शुरू हो जाता है, इट डिक्रीजेस आफ्टर 7 days एंड डिसअपियर्स बाय द 10th day ऑफ बर्थ। तो 10 दिन में ये डिसअपियर कर जाता है। दिस इज द प्रॉपर करेक्टरिस्टिक ऑफ ए फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस एंड रिमेंबर इट इज ऑलवेज सिफेलोकॉडल इन फैशन। टॉकिंग अबाउट प्री टर्म बेबीज आर लिटिल इमेच्योर देन टर्म बेबीज, मोर इमेच्योर। सो इन देम ऑल्सो जॉन्डिस अपियर्स आफ्टर 24 hours बट इट रीचेज इट्स पीक बाय 5th to 6th day। पीक वैल्यू तब तक राइज करती है। इट टेक्स लॉन्ग टाइम एंड एज इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू टेक इट्स पीक वैल्यू, इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू रिजॉल्व ऑल्सो। सो इट परसिस्ट फॉर ऑलमोस्ट 14 days एंड देन इट रिजॉल्व्स ऑन इट्स ओन। और जो सीरम बिलिरुबिन है दैट कैन राइज अप टू 15 mg/dL। तो जो प्री टर्म है उनमें जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है वो 15 mg/dL तक राइज कर सकता है। तो उनमें हमें ज़्यादा वॉच करना पड़ता है। इन केस ऑफ टर्म बेबीज ये ज़्यादा से ज़्यादा 12 mg/dL तक राइज करता है। So how we diagnose physiological jaundice, we have to rule out these things. We have to rule out these things. This should not be present. If these are present, then it means it is going towards pathological jaundice. If serum bilirubin is rising more than 5 mg/dL per day, which is not a property of physiological jaundice. If serum bilirubin of term baby is more than 12 mg/dL and of preterm is more than 14 mg/dL. And if direct bilirubin, that is conjugated bilirubin, is more than 1 mg/dL, then it is not a physiological jaundice, then it is ruled out. And if jaundice persists after 1 week, क्योंकि जो physiological jaundice है term baby का वो 1 week के बाद resolve कर जाता है, 10th day तक तो resolve कर जाता है, but अगर वो persist करता है after 1 week also, then also it is under the category of aggravated physiological jaundice or pathological jaundice. So persistence of more than 2 weeks of unconjugated bilirubin suggests that there is some pathology. What is the treatment that is required for physiological jaundice? As we have discussed, that is the normal physiology of a baby, right? So we don't need to go for any treatment. There is no treatment required until and unless the bilirubin level is below 15 or around 14 mg/dL. तब तक हम कुछ भी नहीं करते हैं बच्चे में, राइट। प्री टर्म बेबीज में हमें थोड़ा देखना भी पड़ता है, बट टर्म बेबी में हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जस्ट वेट एंड वॉच, इट विल रिजॉल्व ऑन इट्स ओन, अपने आप ही ठीक हो जाता है। इंस्टेड बेटर रहेगा कि हम बच्चे को प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग दें। ब्रेस्ट फीड उसकी अच्छे से होनी चाहिए, मदर को ब्रेस्ट फीड आनी भी चाहिए। हमें देखना है कि ब्रेस्ट फीड दी जा रही है या नहीं दी जा रही। सेकेंड, हमें देखना है कि ब्रेस्ट फीड एडिक्वेट है भी या नहीं, राइट। एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी देयर। ये ना कि मदर को फीड ही नहीं आ रही है, राइट। अगर फीड नहीं आएगी तो बेबी विल गो इनटू डिहाइड्रेशन एंड वी हैव टू अवॉइड डिहाइड्रेशन आल्सो, राइट। ब्रेस्ट फीडिंग लेगा तो गैस्ट्रिक फ्लोरा अच्छी होगी, तो जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लोड है दैट विल आल्सो बी रिड्यूस्ड और डिहाइड्रेशन भी रिड्यूस होगी उससे। तो ये चीज़ें देखनी है। अगर हमें लगता है कि नहीं, मदर फीड इज नॉट प्रॉपर राइट नाउ, देन वी कैन आल्सो स्विच टू फॉर्मूला फीड। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स विच वी हैव टू कीप इनटू माइंड व्हाइल diagnosing this physiological jaundice and while treating physiological jaundice. It is physiological, so it needs not to have any treatment, and we have to just check for proper hydration and feeding of the baby. So next video I will come up with pathological jaundice. We'll talk about that later on. Till then, take care.